हेलो गाइस, वेलकम टू डियर नोटबुक। डियर नोटबुक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते और सुनते होंगे, जैसे कि यह दवाओं की दवा है, वह राजाओं का राजा है, वह नेताओं का नेता है, या फिर वह कवियों का कवि है। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस प्रकार बोलते हैं, चलिए सीखते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लुरल नाउन। आइए इसे कुछ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज, यह दवाओं की दवा है। दिस इज अ मेडिसिन ऑफ मेडिसिंस। दिस इज अ मेडिसिन ऑफ मेडिसिंस। सेकेंड वन इज, वह राजाओं का राजा है। He is a king of kings. He is a king of kings. Third one is, वह नेताओं का नेता है। He is a leader of leaders. He is a leader of leaders. Fourth one is, वह कवियों का कवि है। He is a poet of poets. He is a poet of poets. फ्रेंड्स, आप सभी के लिए होमवर्क है। यह त्योहारों का त्यौहार है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।